आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, जिसमें आप काफी सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि टेबल डालना, पिक्चर डालना, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट डालना, कोई भी चार्ट डालना, हाइपरलिंक लगाना, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट और सिंबल का यूज करना। ये काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आज के इस वीडियो से आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल शीट में एक टेबल कैसे डालते हैं। तो टेबल डालने के लिए पहले आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। इसके बाद इस तरीके से आपको एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि कितने एरिया में आप यहाँ पर टेबल डालना चाहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब इसमें हम टेबल डालना चाहते हैं तो हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी टेबल डल चुकी है। इसमें आपको एक इनबिल्ट फिल्टर मिल जाता है जिससे आप अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं नेम, यहाँ पर हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम डाल देते हैं मोबाइल, यहाँ पर हम डाल देते हैं एड्रेस, यहाँ पर हम डाल देते हैं फीस, यहाँ पर डाल देते हैं कोर्स। तो इस तरीके से अपना डेटा जो भी आप डालना चाहते हैं अपने टेबल में, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल डालते हैं तो टेबल के साथ आपको यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाता है। डिज़ाइन के ऑप्शन में जाके आप अपनी टेबल को थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हेडर रॉ है जिसमें आपको फिल्टर दिया गया है। अगर आपको ये रॉ नहीं रखनी है तो आप यहाँ हेडर रॉ को अनटिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से ये गायब हो चुकी है। बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ पर टिक करेंगे और ये हेडर रॉ आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको नीचे टोटल रॉ चाहिए तो आप यहाँ इसको टिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर देखिए टोटल रॉ आ चुकी है। इसको हम अनटिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको आप टिक कर देंगे, लास्ट कॉलम भी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेबल स्टाइल्स मिल जाते हैं जो कि इनबिल्ट है, आपको बस इसमें से चूज करना है और वही स्टाइल आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल यहाँ पर ऑटोमेटिक डिज़ाइन हो जाएगी और जो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल बने हुए हैं इसी में से जो स्टाइल आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का। पहले यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं। पिक्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है जब आपको अपनी फाइल में कोई इमेज डालनी होती है। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन भी दे दिया गया है। फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कि ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रेस्ट यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप पिक्चर का साइज कंप्रेस कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने इस पर कोई फॉर्मेटिंग की है तो आप रिसेट पिक्चर पर क्लिक करके उस फॉर्मेटिंग को रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर स्टाइल्स मिल जाते हैं, जिस स्टाइल में भी आप अपनी पिक्चर को रखना चाहते हैं बस आप यहाँ से चूज कर लीजिए, आपकी पिक्चर उसी स्टाइल में आ जाएगी। और इस तरीके से आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको उठा करके कहीं भी अपनी फाइल में, शीट में रख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको पिक्चर शेप का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो पिक्चर की शेप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिस शेप में भी आपको पिक्चर चाहिए बस आप उसी शेप पर क्लिक करेंगे और आपकी पिक्चर बिल्कुल उसी शेप में आ जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप पिक्चर का जो बॉर्डर है उसको कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट है, इसमें आप अपनी पिक्चर को इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड में सीख चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इफेक्ट दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कई टाइप्स के इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि 3D है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडो है। तो जो भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं बस आप क्लिक करेंगे और आपकी पिक्चर को वही इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इंसर्ट टैब में यहाँ पर क्लिप आर्ट और शेप और स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। क्लिप आर्ट का काम बिल्कुल वही है जो कि एमएस वर्ड में था। आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा क्लिप आर्ट के लिए। आप बस यहाँ पर नाम टाइप करेंगे जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है रोज। इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रोज की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएगी। उस पिक्चर्स में से आप जो भी पिक्चर चाहें वो अपनी फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है।
फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, और फॉर्मेटिंग में आपको वही सब ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर आप जो भी नाम डालेंगे वही पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं मोबाइल, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हमें मोबाइल का एक फ़ोटो डालना है, यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल, गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएगी। बस आप क्लिक करेंगे और मोबाइल डायरेक्ट आपकी फाइल में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस क्लिप आर्ट को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्लिप आर्ट जो हमने डाले हैं, यहाँ पर एक इमेज रोज़ की और एक मोबाइल, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इंसर्ट में यहाँ पर आपको मिलता है शेप, इससे आप अपनी फाइल में अलग अलग टाइप्स की शेप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एरो आपको मिल जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, नीचे यहाँ पर आपको स्टार्स मिल जाते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल में जब भी आपको ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर आपको कोई एरो डालना है तो यहाँ एरो चूज़ करेंगे और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर एरो आ चुका है, और जैसे ही आपने यहाँ पर एरो डाला तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन भी मिल गया है। फॉर्मेट में जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शेप स्टाइल से आप कोई एक स्टाइल यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर शेप फिल है, शेप आउटलाइन और शेप इफ़ेक्ट्स है जिसमें आप शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो सब वही ऑप्शन हैं जो कि आपको इमेज के फॉर्मेट में मिलते हैं। इंसर्ट में यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट, इसका काम बिल्कुल सेम वही है जो कि मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि आप ग्राफिक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पर एक स्टाइलिश लिस्ट बना सकते हैं ग्राफिक का यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला ग्राफिक चूज़ करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफिक आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर टाइप कर देते हैं एप्पल, नीचे इसमें हम टाइप कर देते हैं बनाना, नीचे यहाँ पर इसमें हम टाइप कर देते हैं ग्रेप्स। तो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट में ग्राफिक का यूज़ करके। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेते हैं तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलता है, यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं। यहाँ पर हमने इसको चूज़ किया और यहाँ से हम इसको ये वाला स्टाइल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ एक काफ़ी खूबसूरत ग्राफिकल लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, साइकिल है और रिलेशनशिप है, लेकिन इनका यूज़ काफ़ी कम होता है, फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर चार्ट्स। चार्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सेल में, क्योंकि हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें हम डेटा को चार्ट की हेल्प से शो कर सकते हैं। तो चार्ट भी आपको कई टाइप्स के मिलते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और यहाँ पर अदर और भी काफ़ी सारे चार्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। काम सबका सेम है, आप कोई भी चार्ट यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मुझे एक पाई चाहिए तो यहाँ पर पाई में भी अलग अलग टाइप्स के पाई हैं, तो मैं यहाँ पर ये पाई ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चार्ट आ चुका है। अभी ब्लैंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डेटा नहीं डाला है। तो पहले हम यहाँ पर डेटा डाल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि हम डाल देते हैं हिंदी, हिंदी में हम डाल देते हैं कि 70% लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंग्लिश के इंडिया में 15% लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पंजाबी, पंजाबी 5% लोग बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम कोई और लैंग्वेज डाल देंगे जैसे कि मराठी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ लिस्ट बनाई तो मराठी में यहाँ पर हमने डाल दिया है कि 10% लोग मराठी बोलते हैं। तो अब टोटल यहाँ पर ये हो गया है 100%, 70% हिंदी बोलते हैं, 15% इंग्लिश, 5% पंजाबी और 10% मराठी। चार्ट अभी ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे या फिर आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में देखिए आपको यहाँ सिलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरीके से डेटा को चूज़ कर लेंगे जो भी आप चार्ट में लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमने डेटा चूज़ कर लिया, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर चार्ट कन्वर्ट हो चुका है आपके डेटा में, या फिर आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर चार्ट में। तो आप चार्ट की हेल्प से यहाँ पर इजीली शो कर सकते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है। तो ये जो ब्लू है 70% ये लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर जो रेड है ये इंग्लिश बोलते हैं, जो ग्रीन है वो पंजाबी और यहाँ पर जो ब्लू है ये मराठी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट की हेल्प से अपने डेटा को शो कर सकते हैं। जब चार्ट आपने ले ही लिया है तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाता है। डिज़ाइन में जाके आप चार्ट के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इनबिल्ट डिज़ाइन मिलते हैं
जो भी डिज़ाइन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे वही डिज़ाइन आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्ट में आपको जितने भी चार्ट्स मिलते हैं, कॉलम है, लाइन है, पाई, बार, सभी का सेम वर्क है, सभी ऐसे ही यूज़ किए जाएंगे। आप चार्ट डालेंगे, डेटा डालेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और आपका डेटा चार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर सभी तरह के चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक कॉलम डाल के दिखा देता हूँ, कॉलम पर आएंगे, यहाँ से हम ये कॉलम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेटा कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाले सबसे ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले उससे कम, पंजाबी वाले सबसे कम और मराठी वाले थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे आपका डेटा उसी चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का सेम वही वर्क है जो कि एमएस वर्ड में आपने सीखा है कि इससे आप किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईशान कंप्यूटर अकेडमी, यहाँ पर हमने लिख दिया है ईशान कंप्यूटर अकेडमी, ठीक है। अब हम इसको कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई ईशान कंप्यूटर अकेडमी पर क्लिक करे तो वो एक न्यू फाइल पर पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, जिस फाइल पर भी आप उसको भेजना चाहते हैं बस आप वही फाइल यहां से चूज कर लेंगे। जैसे कि यहां पर ये फाइल रखी हुई है, या फिर आप यहां पर फाइंड भी कर सकते हैं ब्राउज पेजेस पर क्लिक करके, या फिर आप यहां फोल्डर में जाएंगे और आप कोई भी फोल्डर यहां पर ब्राउज करेंगे, लोकेशन पर जाएंगे और सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, यहां पर ओके करेंगे। अब देखिए यहां पर जो ये ईशान कंप्यूटर अकेडमी है ये एक लिंक बन चुका है कि इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप उसी फाइल पर पहुंच जाएंगे जो हाइपरलिंक के जरिए हमने यहां पर कनेक्ट की है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये परमिशन मांग रहा है दूसरी फाइल को ओपन करने की, हम दे देंगे यस। और यहां पर देखिए दूसरी फाइल ओपन हो रही है, यहां पर देखिए ये दूसरी फाइल है जो कि ओपन हो चुकी है और ये एमएस वर्ड की फाइल है, इसको हम यहां से कट कर देते हैं। इसी तरीके से आप कोई वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हम लिंक देना चाहते हैं, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं https://, और यहाँ पर डालेंगे www.ickiratpur.com, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब ये लिंक बन चुका है हमारी वेबसाइट का, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, ईशान कंप्यूटर अकेडमी या जिस वेबसाइट का भी आपने लिंक दिया है। यहाँ पर देखिए ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ और हम यहाँ डायरेक्ट ईशान कंप्यूटर अकेडमी की वेबसाइट पर पहुँच गए। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लिंक बनाया हुआ है हाइपरलिंक के जरिए। तो हाइपरलिंक के जरिए आप अपने किसी भी डेटा को, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे आप किसी भी दूसरी फाइल, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कोई वेबसाइट का लिंक हो, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स, इससे क्या होगा कि आप अपनी फाइल में कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका कर्सर चेंज हो चुका है, अब आप जहाँ पर भी बॉक्स डालना चाहते हैं आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, अब इस बॉक्स में आप जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इस बॉक्स को आप डिज़ाइनिंग दे सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ उठा करके भी रख सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर भी हम इसका यहाँ पर चेंज कर देते हैं और इस तरीके से आप इसको उठा करके जहाँ चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। जब आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो फॉर्मेट का ऑप्शन मिल गया, फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप इसको अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप इसकी शेप फिल कर सकते हैं, शेप फिल में क्या होगा कि आप इसमें कोई भी एक कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी जो आउटलाइन है उनको कौन सा कलर देना चाहते हैं और यहाँ से आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन है, शेडो, ग्लो, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये काम होता है टेक्स्ट बॉक्स का। चलिए हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हेडर एंड फूटर, इसका सेम वर्क वही है जो कि मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि आप कोई बुक लिख रहे हैं या आप कोई फाइल बना रहे हैं जिसमें आप हर पेज के ऊपर और नीचे कुछ डालना चाहते हैं, जैसे कि पेज नंबर या उस फाइल का टाइटल या जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी का नाम। तो ये काम आप कर सकते हैं हेडर एंड फूटर का इस्तेमाल करके। हेडर एंड फूटर पर क्लिक करेंगे आपकी जो शीट है वो यहाँ पेज में कन्वर्ट हो जाएगी और ये है आपके पास हेडर। जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं ईशान कंप्यूटर अकेडमी और यहाँ पर आ जाते हैं, तो अब ये जो ईशान कंप्यूटर अकेडमी है ये आपका हेडर है।
अब आप किसी भी पेज पर जाएंगे वहां पर आपको ऑटोमेटिकली ईशान कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ मिलेगा और ये प्रिंटिंग में भी आता है। आप इसमें नाम की जगह कोई डेट डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ हेडर को सिलेक्ट करेंगे तो हेडर के आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसमें आप पेज नंबर डाल सकते हैं, करंट डेट डाल सकते हैं, करंट टाइम डाल सकते हैं, ये किसी फाइल का आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, फाइल का नाम डाल सकते हैं, कोई फोटो डाल सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं आप अपने हेडर और फुटर में। ये तो है हेडर, लेकिन अगर आपको फुटर डालना है तो उसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो आपका फुटर भी नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है फुटर, और फुटर में मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं करंट डेट, तो यहाँ पर देखिए करंट डेट आ चुकी है। अब हर पेज पर आपको ये डेट देखने को मिलेगी क्योंकि ये डेट हमने फुटर में डाली है। तो हेडर एंड फुटर का काम यही होता है कि जिस पेज में भी आप हेडर एंड फुटर डालते हैं हर एक पेज पर फिर वो शो होता है। तो ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसलिए आपको इसकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट। पहले हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करके अपनी शीट में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर है वर्ड आर्ट, इसमें आप अलग अलग तरह के वर्ड्स डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला स्टाइल चूज करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ईशान कंप्यूटर अकेडमी। तो ये है एक वर्ड आर्ट। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। जब आपने ये वर्ड आर्ट ले ही लिया है तो आपको साथ में फॉर्मेट मिल जाता है। फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं डिजाइनिंग के, यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप शेप फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन, और यहाँ से आप इसको इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक मिरर की तरह से शो होता है, जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। तो ये काम होता है वर्ड आर्ट का कि आप इसमें अलग अलग तरह के वर्ड डाल सकते हैं और उनकी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि आप किसी दूसरे प्रोग्राम को अपने एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने सभी प्रोग्राम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फोटोशॉप में कुछ बनाना है और उसको एक्सेल में डालना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फोटोशॉप को ओपन कर सकता हूँ अपने एक्सेल में, या किसी भी प्रोग्राम को, जितने भी प्रोग्राम्स आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, बस आपको कोई भी एक चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं फोटोशॉप चूज करके ओके कर देता हूँ, तो देखिए ये फोटोशॉप ओपन हो चुका है और ये आपके एक्सेल में है, ये कहीं बाहर नहीं है। तो इसमें फोटोशॉप में जो भी आपको काम करना है वो आप यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, एक मैं कलर यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर देता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट करके रेड में दे देता हूँ। इसमें मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे ईशान कंप्यूटर अकेडमी। अभी आपको शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका रेड कलर है, हम यहाँ से इसको वाइट कलर देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ फोटोशॉप को क्लोज करेंगे तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल में आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। तो ये काम होता है ऑब्जेक्ट का कि आप एक ही प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करके उसमें आप काम कर सकते हैं, और जो भी काम आप उस प्रोग्राम में करेंगे वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल में ही आ जाएगा। तो यहीं से डायरेक्ट आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, फोटोशॉप, कॉरल ड्रा, या जो भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पर ओपन करेंगे और आप उसमें जो भी वर्क करेंगे वो आपके एक्सेल में यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंबल। सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के सिंबल्स मिलते हैं, जो कि आप अपने कीबोर्ड से टाइप अगर करेंगे तो आपको शॉर्टकट यूज करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, बस आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर कॉपीराइट का एक साइन चाहिए तो इसको चूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो कॉपीराइट का जो साइन है वो आपकी फाइल में आ चुका है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर शो हो। तो देखिए कॉपीराइट साइन यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कॉपीराइट। तो इस तरीके से इंसर्ट में जाके, सिंबल में जाके आप कोई भी सिंबल यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आप चूज करेंगे उसी का सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको सिंबल्स मिलेंगे और आप सिंबल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काम है इंसर्ट टैब का कि इसमें आप टेबल डाल सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, हाइपरलिंक डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट और सिंबल भी आप इंसर्ट के जरिए यहाँ पर डाल सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करिए और उस पर आप वीडियो को पॉज करके रखिए और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए।
जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है या आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न होता है तो फौरन आप वीडियो को प्ले करिए और वीडियो में उस जगह पर क्या बताया गया है उस चीज़ को आप समझिए। इस तरीके से आप पूरी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपको वीडियो कर देनी है बंद और आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की जो वीडियो में बताई गई है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में कभी भी आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आप सीखोगे वो आपकी हमेशा याद रहेगा। मैंने कंप्यूटर का पहला कोर्स किया था 2008 में और उसके बाद मैंने कभी भी कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं की है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये भी डायरेक्ट बनाता हूँ, पहले मैं इसकी कोई तैयारी नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने जब कंप्यूटर कोर्स किया था तो उसकी मैंने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की थी, इसीलिए आज तक मुझे काफ़ी अच्छे से याद भी है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि MS Excel में मार्कशीट कैसे बनाते हैं।